नेक्स्ट आते हैं कोलिनियर वैक्टर्स। देखो दो वैक्टर हैं कोई भी ए और बी, अगर वो कोलिनियर है या पैरल है तो इसका मतलब ए इज इक्वल टू लैमडा टाइम्स ऑफ बी। बस सुन के मैग्नीट्यूड में तो डिफरेंस आएगा, डायरेक्शन सेम है तो वैक्टर ए का डायरेक्शन वैक्टर बी का डायरेक्शन सेम, और मैग्नीट्यूड में डिफरेंस चेंज होगा तो इसलिए लैमडा। अब ये लैमडा की वैल्यू क्या हो सकती है, कुछ भी हो सकती है लैमडा की वैल्यू, ठीक है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अगर एक्स ए प्लस वाई बी इज इक्वल टू जीरो हो और एक्स एंड वाई दोनों जीरो ना हो, एक जीरो हो चलेगा लेकिन दोनों जीरो ना हो, तो भी क्या होगा, ए एंड बी क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। इसका मतलब समझ लो एक बार ज़रा, अगर ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब एक्स ए इज इक्वल टू माइनस वाई टाइम्स ऑफ बी, तो ए कितना हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स टाइम्स ऑफ बी, तो हुई तो क्या ए इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। बस इसमें क्या है, एक्स जीरो नहीं हो सकता, लेकिन अगर बी को इधर लिखा हो मतलब एक्स और वाई में से एक जीरो, एक्स तो जीरो नहीं हो सकता, वाई जीरो हो सकता है, लेकिन जब इसे इधर को लिखोगे तो क्या हो जाएगा एक्स अपॉन माइनस वाई टाइम्स ऑफ बी, तो उस पर क्या नहीं हो सकता, वाई जीरो नहीं हो सकता। तो अगर हमने इसे ऐसे लिख दिया एक्स अपॉन माइनस वाई ए इज इक्वल टू बी, तो अब भी वही है बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए, बस इस बार क्या होगा वाई जीरो नहीं होगा, तो मतलब दोनों एक बार में दोनों चीज़ें जीरो नहीं हो सकती, एक्स और वाई जीरो नहीं हो सकते दोनों, तो ये कंडीशन का हो या ये कंडीशन का, बहुत एक ही कंडीशन है, मैंने दो बार इसलिए लिखवाई है क्योंकि कई बार ना एग्जाम में क्या था ये पूछ लेते हैं ये कंडीशन दे रखा तुम्हें पता ये है और ये तुम्हें पता नहीं है तो मेरा क्वेश्चन छूट जाएगा। अब आते हैं कोलिनियरिटी ऑफ पॉइंट्स, तीन पॉइंट है ए बी सी, तीनों के तीनों कोलिनियर कब होंगे, जब इन तीन वैक्टर इन तीन पॉइंट्स से बनने वाले तीन वैक्टर, यानी कि एक ए बी निकाल लो, एक बी सी निकाल लो या ए सी, इन तीन में से कोई दो कोलिनियर हो जाए, यानी कि जैसे मान लो ए और बी, ए बी और बी सी लेते हैं तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी सी, या फिर ए बी क्या हो जाए म्यू टाइम्स ऑफ ए सी, म्यू भी क्या कांस्टेंट, या फिर क्या हो जाए बी सी इज इक्वल टू एम टाइम्स ऑफ ए सी, तो भी क्या होंगे ये तीनों पॉइंट्स क्या हो जाएंगे कोलिनियर हो जाएंगे ए बी सी। लेकिन अगर हमें ना केवल पोजिशन वैक्टर्स दे रखे हैं या फिर पॉइंट्स दे रखे हैं तो हमें फ़ायदा रहेगा सेक्शन फॉर्मूला लगा के, एक्स वन वाई वन जेड वन, एक्स टू वाई टू जेड टू, एक्स थ्री वाई थ्री जेड थ्री, हमें कहा पॉइंट कोऑर्डिनेटर और कुछ कंडीशन प्रूफ करने को कहा है या कुछ फाइंड करने को कहा है, तो इसे ना सेक्शन फॉर्मूला लगा के ज़्यादा आसानी से रहता है। एक्स टू क्या होगा एम टाइम्स ऑफ एक्स थ्री प्लस एन टाइम्स ऑफ एक्स वन अपॉन एम प्लस, ठीक है, ऐसे ही वाई टू के लिए लग जाएगी और ऐसे ही जेड टू के लिए लग जाएगी, तो ये हमारे पास कंडीशन किसके लिए होगी, कोलिनियरिटी ऑफ वैक्टर्स के लिए। देखो कोलिनियरिटी ऑफ वैक्टर में दो कॉन्सेप्ट हैं, एक क्या है व्हेन वैक्टर्स आर गिवन, दो वैक्टर गिवन और उनकी कोलिनियरिटी की बात हो, एक क्या है तीन पॉइंट्स दे रखे हो, ठीक है, और अगर तीन से ज़्यादा पॉइंट्स पूछा गया कोलिनियर तो भी आसानी से हो जाएगा। जैसे मान लो चार पॉइंट होते हैं यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी और डी, तो पहले ए बी सी को कोलिनियर दिखा दो और उसके बाद फिर बी सी डी को कोलिनियर दिखा दो, यानी कि पहले एक बार तीन पॉइंट और फिर अगली बार में तीसरे कोई तीन पॉइंट, बट ध्यान रखना पहली बार में जो पॉइंट छूटा था अगली बार में पॉइंट इंक्लूड हो जाना चाहिए, तो भी ये क्या हो जाएगा कोलिनियर वैक्टर।